2D ज्योमेट्री पर बेस्ड है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में खास बात यह बोली गई है, देखिए जरा, बोला है कि लोकस बताना है भैया। अब लोकस क्या होता है जरा पहले तो ये बताओ हमें। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो एक सर्टेन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं लोकस। बोले कैसे सर? देखिए मान लो यार, बहुत सारी चीटियां ना सीधे एक लाइन में चली जा रही हैं, अपन को दूर से देखने पर दिखाई देगा कि वो चीटियां चली जा रही हैं। हम अगर एक चीटी से पूछें भैया तुम्हारा रास्ता क्या है, तो चीटी बताएगी हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पर, हमारा लोकस स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के अगर एक सर्कल बना दे, आप एक पॉइंट से बात करो और पूछो भैया आपका लोकस क्या है, तो बताएगा सर्कल है। ऐसे ही यहां पर पूछा गया है लोकस बताओ किसका, द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, उस सर्कल का लोकस बताना है जो सर्कल कट करता है इस सर्कल को, वो भी ऑर्थोगोनली। खास बात, ऑर्थोगोनली। मैं सबसे पहले तो एक बेसिक ऐसे ही एक डायग्राम जैसा एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को कोई और सर्कल जिसका हमें लोकस बताना है वो सर्कल ऑर्थोगोनली टच करता कट करता है। मान लिया भैया ये सर्कल, ये दोनों एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है जरा वो भी देखिए। इसकी खास बात यह है कि ये वाला सर्कल किसी एक लाइन x माइनस टू इक्वल टू जीरो को भी टच करता है। अब आप देखो ऐसे सर्कल कितने होंगे, अभी इस सर्कल का सेंटर यहां पर है, ठीक है। अब ऐसे सर्कल और भी होंगे, कैसे और भी होंगे, इससे बड़े या इससे छोटे और भी होते जाएंगे। तो जब सर्कल बढ़ेगा कहीं भी जाएगा, इधर जाएगा, इसको टच भी करे और इसको कट भी करे, और तो बने ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे। सभी सर्कल्स के सेंटर पर नजर बना के रखो, जहां 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 सर्कल का सेंटर जा सकता है वो हमारा लोकस होगा। बस जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उस पॉइंट को सबसे पहले एच कॉमा के रख दीजिएगा, सबसे पहले, ठीक है। आप मुझे बताइए जब ये टच कर रहा है भाई, चलिए परपेंडिकुलर बना देते हैं, तो इस सर्कल की ये रेडियस भी हो गई है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए हम रेडियस निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इसकी, तो देखो भैया एच माइनस टू अपॉन में रूट के अंदर वन विद ऑब्वियस रीजंस। तो आप यहां से देख सकते हो कि रेडियस आ रही है एच माइनस टू, ठीक है, मॉड में है नो डाउट, चलो भाई नेगेटिव नहीं हो सकती। अब कहानी क्या है आगे वो जरा समझिए, ध्यान से देखना। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जिस पॉइंट पर ये ऑर्थोगोनल है, आप ये टेंजेंट खींचा मैंने, ठीक है, एक और मैं टेंजेंट खींचता हूं इस वाले सर्कल पर। अब तो इन दोनों टेंजेंट के जो बीच का एंगल है ना, दरअसल ये 90 डिग्री होगा, और पता है खास बात क्या है जरा देखिए आप, इस वाले सर्कल के लिए ये नीली वाली लाइन टेंजेंट है और ये रेड वाली लाइन उसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल है। और किसी भी सर्कल में नॉर्मल यानी कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर वो हमेशा उस सर्कल के सेंटर से होके जाएगा। यही कहानी बच्चे इधर भी हो रही है, और यही लॉजिक जो आपको ध्यान रखना है, और वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लॉजिक ये है कि दो सर्कल अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर कट करते हैं तो एक सर्कल पर खींची गई टेंजेंट दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से होके जाती है। यस। और अब आप जरा ध्यान दे लीजिए, मैं दोनों सेंटर्स को मिला देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने दोनों सेंटर को मिला दिया भैया, आप मुझे बताओ अगर मैं इसको ओ, इसको ओडेस, इस पॉइंट को पी कह दूं, तो आप मुझे बताइए क्या इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती भैया? ओ ओडेस का होल स्क्वायर बराबर होगा ओपी का होल स्क्वायर प्लस पी ओडेस का होल स्क्वायर। बोलो यार, अगर ये बात समझ में आती है तो इस वाले सर्कल की तो हमें इक्वेशन दी गई है। देखो आप किसी सर्कल की इक्वेशन दी जाए तो मैं सामान्य ज्ञान आपको बता देता हूं, उस सर्कल के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से आप कंपेयर करिए तो सेंटर होते हैं माइनस डी कोमा माइनस एफ और रेडियस होती है अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप मुझे बताओ जब आप कंपेयर करोगे इसको इससे तो जी की वैल्यू कितनी आएगी? देखो टू जी एक्स का कोफिशियंट माइनस बीस, तो जी की वैल्यू हो गई माइनस का दस। एफ की वैल्यू भैया एक्स का कोफिशियंट है, वो वाई का कोफिशियंट है ही नहीं यहां पर। और सी की अगर आप चर्चा करेंगे तो सी विल बी फोर,
तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका जरा वो बता दीजिए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है सेंटर, माइनस जी यानी कि टेन कॉमा जीरो। अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए रेडियस क्या हो जाएगी, जी का स्क्वायर 100 हुआ, ये जीरो, ये माइनस फोर, यानी कि रेडियस हो गई रूट के अंदर 96। यार ये सब बातें इसलिए कि आपको बेसिक भी हम आपको रिवाइज करा दें, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी यार। एंड नाउ इफ दिस थिंग इज क्लियर टू यू, अगर ये क्लियर है तो भैया क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नाउ फिलहाल हमारे पास सब चीजें आ चुकी है राइट। अब मैं ये चाहता हूं थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। हाँ लगाना तो बनता है यार, नहीं लगा पाएंगे दिमाग तो मैं बता देता हूं। ओ ओडेस इसके बीच की दूरी यानी कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सॉरी एच माइनस टेन का होल स्क्वायर पर अंडर रूट का होल स्क्वायर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओडेस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओपी का होल स्क्वायर 96 प्लस पी ओडेस इसका होल स्क्वायर, तो देखो मॉड पर स्क्वायर लगा है, नाउ दिस विल बी एच माइनस टू का होल स्क्वायर, मॉड हट गया ना भाई स्क्वायर। अब आप यदि अंडर रूट वगैरह भी हट गया, नाउ दिस विल बी एच स्क्वायर प्लस 100 माइनस का 220H प्लस बेटा के स्क्वायर बराबर है 96 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4H, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 96 और 4 मिलेंगे तो ये 100 से निपट जाएंगे। आई थिंक आप समझ रहे होगे, नाउ दिस इज ओनली के स्क्वायर, 20H उधर भेज दीजिए, 4 निपट जाएंगे तो 16H। और आपको पता है लोकस निकालते समय आखिरी में एच की जगह पर हम एक्स और के की जगह पर हम वाई लिख दिया करते हैं, जैसे ही आप रखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16X इज अवर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करिए फिर एक ऑर्थोगोनल का लॉजिक और बताता हूं आपको, जल्दी नोट करिए। ओके नाउ सो इफ वी टॉक अबाउट, मैं एक लॉजिक की बात जो कर रहा था अभी आपसे कि एक लॉजिक बताता हूं, तो वो लॉजिक जरा देख लीजिए आप। लॉजिक देखिए, लॉजिक ये है कि अगर हमें दो सर्कल दिए जाएं, कहा जाए कि दोनों सर्कल के बीच का एंगल, हम दो कर्व के बीच का एंगल तो निकालना जानते हैं, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर हमें सिखाता है इस बात को, लेकिन दो सर्कल के बीच का एंगल कैसे निकलेगा मैं आपको यह बता देता हूं। दोनों के सेंटर रेडियस अगर इसकी R1 और इसकी R2 है, इनके बीच का एंगल यानी कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होता है भाई, मैं एक बार डायग्राम को क्लियर कर दूं अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा आपको, कंफ्यूजन रहेगा इसलिए मैं डायग्राम क्लियर कर देता हूं आपको। दोनों सेंटर मैंने C1 और C2 इस पॉइंट से मिला दिया है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये वाली लाइन टेंजेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, टेंजेंट अगर हम उसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कहीं और निकल के जाएगी, मे बी दिस बी मे बी द टेंजेंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही भाई अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कहीं से भी जा सकती है वो, लाइक दिस, तो टेंजेंट से मतलब नहीं। आई थिंक आपको क्लियर है मैंने क्या बनाया, ये आर वन, दिस इज आर वन और दिस इज आर टू, और ये इनके बीच की दूरी ये डी है। अगर मैं ये कहूं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, अगर दोनों सर्कल के बीच का एंगल थीटा, तो बस आपको रिजल्ट याद रखना है, हम डेरिवेशन पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं थीटा। तो कॉस थीटा होता है आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल अपॉन टू आर वन आर टू। प्लीज इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा। अब रही बात सर थीटा का होगा, थीटा एक्चुअली इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा, कैसे निकलेगा मुझे इस बात पर अभी जाना ही नहीं है, आपको बस ये रिजल्ट अपने दिमाग में बैठाना है, जल्दी से नोट करिए इस रिजल्ट को। अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसी पर बेस्ड एक लॉजिक है, और वो ये कि अगर मैं कहूं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है,
तो cos 90 will be 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि orthogonal की condition है, R1 square plus R2 square बराबर होता है बेटा D square के। और अब अगर हम दो सर्किल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में लेकर के चले तो फिर रिलेशन होता है 2G1G2 plus 2F1F2 बराबर C1 plus C2, and this is also a condition for orthogonal circles. बोले सर ये कैसे आया? बेटा ऐसे आया कि अगर इस सर्कल की इक्वेशन हम ले लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, इसकी इक्वेशन बच्चे अगर हम ले लें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो, तो बेटा रेडियस आपको पता है, रेडियस क्या होती है, रेडियस इसकी रेडियस हो जाएगी g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, ऐसे ही उसकी रेडियस और डिस्टेंस यानी कि दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, एक का सेंटर हम मानते हैं माइनस जी वन कॉमा माइनस एफ वन और एक का सेंटर हम मानते हैं माइनस जी टू कॉमा माइनस एफ टू। किसी को अगर डिटेल में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इस पूरे सेक्शन का। आई होप आप समझ गए होंगे, बी वेरी क्विक। क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा उस बात को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो सर्कल है जिनकी रेडियस कैसी है इक्वल, देखो दो सर्कल जिनकी रेडियस कैसी है, इक्वल रेडियस है, बहुत बढ़िया बात है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, एक इस पर और एक इस पर, ठीक है। तो दो रेडियस अगर अपन को पता है कि इक्वल रेडियस है, इसका मतलब सर्कल दिखने में एक जैसे ही होंगे यार, ठीक है। नाउ सपोज करिए ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका, अब बोला ही गया है टेंजेंट एट 0,1, ये है 0,1, इस पर टेंजेंट और ये वाला पॉइंट है 0,-1, इस पर खींची गई टेंजेंट आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया है पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल, मतलब दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है भैया, ठीक है। आप मुझे बताओ जब एक सर्कल पर खींची गई टेंजेंट दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से होकर के चली जाए, ये कहानी है किस बात की, ये कहानी है कि सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं, और सर्कल्स अगर बच्चे ऑर्थोगोनल हैं तो आप जरा बताइए ये वाला एंगल भैया 90 डिग्री है, ठीक है। मैं दोनों सेंटर्स को मिला देता हूं भैया, दोनों सेंटर्स को अगर हमने मिला दिया तो पता है खास बात क्या है, देखो पूछा गया था हमसे डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, अगर मैं इसको C1 कहूं इसको C2 कहूं तो हमसे पूछा गया है C1 C2 क्या होगा बस। अब देखो इसको ट्रेडिशनल वे से अगर किया जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, मैं पहले आपको ट्रिक से बताता हूं फिर मैं आपको ट्रेडिशनल वे भी बताऊंगा कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ट्रिक है वो जरा देखिए, अगर इसकी रेडियस की मैं बात करूं, ये रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, ये भी आर ये भी आर, ठीक है, ये 90 डिग्री है जी। ध्यान से देखिएगा अगर मैं ये परपेंडिकुलर गिराऊं तो ऑब्वियसली वो इस पॉइंट से भी होते हुए ही जाएगा भाई, आप चाहो तो इस तरह से सीख सकते हो, इस तरह से समझ सकते हो कि इस सर्कल को देखो आप, उसका ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो आप मुझे बताइए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, मानते हो आप इस बात को। आप मुझे एक बात बताओ, पॉइंट देखिए कोऑर्डिनेट, मेंस के पेपर की खासियत ये है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर आने वाले पॉइंट्स, यहां पर आने वाले सर्कल की इक्वेशन, यहां पर आने वाले पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत बहुत आसान दी होती है। जैसे कि यहां पर देखो आपको पॉइंट पता है ये 0,1 ये 0,-1 यानी कि जस्ट ऊपर है, वाई एक्सिस पर है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 2 है, आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी 1 हो जाएगी, ये भी दूरी 1 हो जाएगी जी, ठीक है। एंड नाउ प्लीज लुक एट दिस, देखिएगा जरा ध्यान से, अगर ये 90 देखो ये आर है ये भी आर है सेम है, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये 90 डिग्री है जब ये डिसाइडेड है, तो ये और दोनों बराबर है, तो ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ यार। अब आप जरा देखिएगा इस बात को ध्यान से, इस ट्राइंगल में देखो आप, इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है ये 45 है, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री,
एंड नाउ इफ आई एम सेइंग कि ये भी 45 बेटा, ये भी 45, तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में भी बराबर होगी ना यार। ये अगर 1 है तो ये भी कितनी होगी 1। सिमिलरली यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी 1। आप मुझे बताओ दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी 1+1। आंसर इज 2। सो दिस वाज ज्योमेट्रिकल बेस्ड, ठीक है। अब ट्रेडिशनल वे से कैसे होगा इस क्वेश्चन को जरा वो देखते हैं। ज्योमेट्री अगर आपको आती है तो बहुत हद तक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल वे ये कि पॉइंट से क्लियर था कि वाई एक्सिस है, ये क्लियर था कि दिस इज वाई एक्सिस, लुक एट दिस। और दूसरी बात, दोनों सेंटर्स को जब हम मिला रहे हैं तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, दिस पॉइंट इज 0.0। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये भी श्योर हो गया, ठीक है। अगर ये कहानी श्योर हो गई तो आप मुझे बताइए, अब मैं ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट को बेटा हटा देता हूं, ठीक है। ना इस पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर मैंने मान लिया अल्फा कॉमा जीरो, ये सेंटर मैंने मान लिया माइनस अल्फा कॉमा जीरो, आप मुझे बताइए एक अल्फा कॉमा जीरो एक माइनस अल्फा कॉमा जीरो, अगर ऐसा है हमें दोनों पॉइंट पता है तो सर्कल की इक्वेशन निकालते हैं जी। सेंटर चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है भैया इक्वेशन के लिए, तभी इक्वेशन होती है। आपको पता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर यानी कि रेडियस के। आप मुझे बताओ इस सर्किल की इक्वेशन निकाल लो भैया। तो देखो सेंटर है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। अब बोले रेडियस क्या आएगी, आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी वही तो रेडियस है और उसका होल स्क्वायर, तो जरा आप देख लीजिए अंडर रूट के अंदर अल्फा का स्क्वायर क्योंकि माइनस जीरो एंड प्लस वन का स्क्वायर और अल्टीमेटली इस पूरे का होल स्क्वायर बिकॉज दिस इज रेडियस। इसको सही रूप में लिख देता हूं, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर बेटे प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस वन अल्फा स्क्वायर, बच्चे निपट लिया। नाउ द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स बराबर या माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली बेटा सिमिलरली, अब ये वाला काम तो मैं आप पे छोड़ता हूं भैया, सेंटर है रेडियस तो सेम ही रहेगी भाई, इक्वेशन बताइए तो वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मुझे पता है क्योंकि ये कैलकुलेशन में यहां पर प्लस आ जाएगा बस 2 अल्फा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फाइनली वी आर हैविंग टू इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स, ट्रेडिशनल वे बता रहा हूं, क्वेश्चन तो कब का निपट गया लेकिन ट्रेडिशनल वे बस आना चाहिए अपन को। तो अब उससे क्या होगा, आपके कई सारे लॉजिक्स रिवाइज हो जाएंगे, जैसे कि सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालनी है, रेडियस कैसे निकालनी, बहुत सारी बातें। अच्छा अब जब हमारे पास दो सर्कल की इक्वेशन है तो अब आप इन दोनों सर्कल को कंपेयर कर लो जनरल फॉर्म से। बोले सर क्यों कर लें कंपेयर जनरल फॉर्म से, बिल्कुल सही बात है, क्यों कर लें कंपेयर जनरल फॉर्म से भैया, चलिए देखते हैं। हम कंपेयर इसलिए कर लें, कंपेयर इसलिए कर लें, देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। आप मुझे बताइए यहां से जी वन की वैल्यू कितनी आएगी, टू जी वन बराबर है माइनस का टू अल्फा, तो दिस इज माइनस अल्फा। एफ वन यानी कि वाई का कोफिशियंट शून्य है बेटा, सी वन की वैल्यू कितनी आएगी कॉन्स्टेंट यानी कि माइनस वन। सिमिलरली बच्चे यहां पर जी टू की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताइए आप मुझे, जी टू कितना आ जाएगा बेटा अल्फा, एफ टू कितना आएगा शून्य, सी टू कितना आएगा माइनस वन। और अब कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दैट वाज टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू बराबर है बेटे सी वन प्लस सी टू के, ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ये। एंड नाउ प्लीज लुक एट दिस, टू जी वन माइनस अल्फा, जी टू बेटा अल्फा, ये तो शून्य हो जाएगा और बराबर c1 माइनस वन प्लस माइनस वन। आप देखो ये माइनस टू होगा तो माइनस टू अल्फा स्क्वायर बराबर माइनस टू, चलो जी अल्फा की वैल्यू आ रही प्लस माइनस वन बच्चे। और अब याद होगा अभी आपको मैंने जो सर्कल बनवाया था दो, एक के कोऑर्डिनेट थे अल्फा कॉमा जीरो और एक के सेंटर थे माइनस अल्फा कॉमा जीरो।
आप अल्फा की वैल्यू 1 रखो तो 1,0 माइनस 1,0 दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी बेटे 2. सो द आंसर इज 2. सो दिस वाज ट्रेडिशनल मेथड. आई होप आप समझ गए होगे यार. तो हमने एक ज्योमेट्रिकल मेथड बताया. आप होने की वजह है कि अगर आपको आदत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने की तो ध्यान से देखो, आपको इसका डी नेगेटिव दिखेगा. इमेजिनरी रूट्स हैं भैया के, और अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो फिर श्री धराचार्य जी की शरण में चलिएगा. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 आप देख लीजिए अपॉन में 2a तो 2 ही रह जाएगा. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये आयोटा होगा. 2 2 2 निपट गए. यहां से दो वैल्यू आ रही है यार, वन इज माइनस 1 प्लस आयोटा एंड अदर इज माइनस 1 माइनस आयोटा. यार मैं एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ, भाई रूट्स है ना यार. अब खेल पूरी तरह से जंप ले गया कहां, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यार. अब कैसे पंगा ले. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, जब भी कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर बहुत ज्यादा हो ना तो हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर यूलर फॉर्म में. बोले सर वो क्या होता है, कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है यार, तो मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा ये पोलर फॉर्म है. यहां पर थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है. और इसी चीज को हम ऐसे लिख दें अगर कि मॉड z e की पावर आयोटा थीटा तो ये यूलर फॉर्म है. भैया पावर ज्यादा है तो फिर क्या करना है, पोलर फॉर्म में जाना है या फिर यूलर फॉर्म में जाना है. और पता है खेल क्या है, डिमोइवर थ्योरम का खेल है. कैसे डिमोइवर थ्योरम कहते हैं कि z की पावर अगर n करवानी है ना तो मॉड z की पावर n कर दो और फिर cos of n थीटा प्लस आयोटा sin of n थीटा कर दो. मतलब यहां वाली पावर जो आएगी वो थीटा के साथ भेज दो. एंड दिस इज सेड टू बी डिमोइवर थ्योरम. हम अगर यहां पर भी कर दें तो यहां पर n आ जाएगा, बस यहां पर भी n आएगा पावर. ठीक है तो अब हमें जाना किसकी शरण में यार. देखो थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. कहीं भी जाओ आप तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा. किसी को अगर डिटेल में चाहिए हो तो फिर मुझे मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे. बट फिलहाल फिलहाल आ जाओ जी, कैसे पहुंचे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तक यार. तो देखिए जरा अल्फा, आप देखिए किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा अल्फा. अगर हम आर्गन प्लेन की बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में पाया जाएगा, ये यहां पाए जाएंगे. और यहां पाए जाएंगे आपको पता है कि फिर आप उनका टेन के साथ एंगल निकालते थे मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, तो वो वन आएगा पाई बाई फोर, यानी कि दिस एंगल इज पाई बाई फोर. बट हमें चाहिए ये वाला एंगल. अच्छा आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमेशा माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए इंक्लूडिंग पाई. अगर नहीं है तो हम एड टू पाई या सब्ट्रैक्ट टू पाई करते थे. ठीक है तो फिलहाल ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टोटल पाई, ये वाला पाई बाई फोर. नाउ दिस इज 3π/4. तो अब हम अल्फा को तो ऐसे लिख सकते हैं जी, मॉड ऑफ अल्फा उसका मैग्नीट्यूड दिस इज रूट 2. मैग्नीट्यूड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट बेटे माइनस 1 का स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है. कई बच्चे बोलते हैं आयोटा का कॉफिशियंट वो इमेजिनरी पार्ट है यार. तो देखो बहुत आराम से, नाउ दिस विल बी कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत. तो अल्फा की पावर 15 क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर 15 अपॉन 2 और यहां पर बहुत बढ़िया. अब हम चलते हैं बीटा की शरण में. आप मुझे बताइए बीटा भाई साहब किस क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे. यहां पर जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर पाया जाए ना तो उसका आर्ग्यूमेंट एक तो होता है पाई प्लस अल्फा. बट मैं सजेस्ट करता हूं आप इससे मत निकालो, क्योंकि इससे निकालोगे फिर आपको 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. किसके लिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए. थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखो सभी लोग माइनस पाई प्लस और वो एंगल. अब मैं अल्फा यहां पर है तो अल्फा 1 बोल देता हूं मैं. तो अल्फा 1 क्या है एंगल, यहां पर भी देखिए 10 अल्फा 1 अगर आप निकालोगे बेटे तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दिस इज पाई बाई 4. आप इसे सॉल्व कर लो, नाउ यू विल गेट माइनस का 3π/4 प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. तो बेटा बीटा को कैसे लिख पाओगे आप जरा देख लीजिए, रूट टू वही, उसका मैग्नीट्यूड भी रूट टू ही है. कॉस ऑफ माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 3π/4 दैट्स इट. एंड नाउ बीटा की पावर 15. ये एनटीए के मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमें बहुत कुछ रिवाइज करवा देंगे, इसीलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं.
नाउ बीटा की पावर 15 विल बी 2 की पावर 15 बाई 2. नाउ दिस विल बी माइनस 45 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस 45 पाई बाई 4. और अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसे और इसे जोड़ना है. जैसे ही आप ऐड करोगे तो इतनी बात तो आपको समझनी होगी. देखो आप जब ऐड करोगे तो कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 15 अपॉन 2. ये और ये क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस कहां आएगा, बाहर. आई होप आप समझ रहे हो. कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसीलिए कॉस इवन फंक्शन है और साइन ऑड फंक्शन है. अब सर ने बता दिया इवन और ऑड, चलो यहां पर भी चर्चा कर लेते हैं, रिवीजन ही उद्देश्य है. एक फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है. एक फंक्शन अगर ऑड फंक्शन है तो उसका ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है. बस ऐसे ही सामान्य ज्ञान है यार. बट फिलहाल ये माइनस बाहर आएगा तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा फिर, राइट. एंड नाउ जो ये है बेटे वही ये है. क्यों? क्योंकि माइनस कॉस में डाइजेस्ट हो जाएगा. प्लीज इस बात को ध्यान रखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये जो भी है वो दो है, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 45 पाई बाई 4. एंड नाउ प्लीज लुक एट दिस. हम इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए बेटा इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ, देखो बेटा कितनी बार डिवाइड किया, 11 पाई प्लस पाई बाई 4. 11 पाई, 10 बार पाई चलो तो वहीं आ जाओगे, एक बार और चलो फिर पाई बाई 4. क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, कॉस का है, नहीं. आंसर विल बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 4. तो ये तो ये वाला हिस्सा हो गया. तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, देखो अब 2 की पावर 15 अपॉन 2 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है. और इसमें देखो आप क्या है, ये दिस इज 1/√2, तो 1/√2 को लिख सकते हो 2 की पावर माइनस हाफ, तो माइनस 1/2. पावर का खेल है यार. अब ये सब कुछ किसका आएगा, माइनस का बेटे, सब माइनस का आएगा. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये हमने देख लिया नेगेटिव है. तो अब पॉजिटिव वाले तो आंसर हो नहीं सकते, नेगेटिव होंगे. आप इसको सॉल्व कर लो बेटा. मैं बहुत आसानी से एक बार आपके लिए बता देता हूं कि मैंने एलसीएम 2 ले लिया, 15 प्लस 2 माइनस 1 बच्चे 17 में से 1 गया 16. मैं 2 का डिवाइड करोगे तो 8, 2 की पावर 8 क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है. माइनस का आंसर है. नाउ यू कैन टेक इट. आई होप आपको क्लियर है, कंफर्म भैया. जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को. अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहां पर आप देखो कई 11th क्लास के फॉर्मूले काम आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो यहां पर जो खेल दिया हुआ है ना, इस खेल को समझते हैं. तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला मेरे विद्यार्थी तो जानते हैं कि देव सर एक खास तरह का एक लॉजिक बताते हैं, उससे हमें फॉर्मूले याद रहते हैं. अगर आपको भी वो लॉजिक भैया जानने हैं तो फिर आप कमेंट पर आप अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, तो हम विचार कर लेंगे. फिर फिलहाल cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी विल गेट cos स्क्वायर थीटा माइनस 3. अब यहां पर है थीटा में केवल थीटा, बट वहां पर है 2 थीटा. देखो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाने के लिए इसे 2 थीटा कन्वर्ट कर देते हैं. बहुत आसान है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है. वहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के रखनी है, 4 टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा और अपॉन में 2. चलो जी 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस विल बी 2 cos 2 थीटा. और 2 थीटा को मौके का फायदा उठाते हुए हम अल्फा माइनस बीटा रख देते हैं भाई. अब ये 2 माइनस 3 तो माइनस 1. होल्ड इट, ये इसकी वैल्यू है भैया, इसकी वैल्यू. होल्ड इट. अब आप जरा देखिए, जब भी ये चीजें दी जाए, मैंने हमेशा सिखाया है बच्चों को, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो फायदा होगा. और यहां के ऑप्शंस भी हमें चीख चीख करके कह रहे हैं, हाँ भैया हमारा भी स्क्वायर करो प्लस हमारा भी स्क्वायर करो. चलो करते हैं भैया स्क्वायर. जब इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बना दूं बेटे, इसको सेकंड बना दूं, तो आप मुझे बताइए दोनों का स्क्वायर होगा या नहीं होगा. देखो भैया बहुत ऑब्वियस बात है, ए प्लस बी जैसा माहौल है, यहां पर भी ए प्लस बी जैसा माहौल है. और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. तो भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2. यहां ए बी आएगा एंड दैट विल बी cos अल्फा cos बीटा. बेटा यहां पर भी आएगा 2, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, साइन अल्फा साइन बीटा. और भैया बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. बोलो जी. अच्छा अब आप जरा बताना भैया, क्या आप पहचानते हो इनको, तीसरा फॉर्मूला. देखो आप अभी तक हमारे इस क्वेश्चन के लिए कितने फॉर्मूले काम आए,
एक फॉर्मूला हमने जो यहां लगाया था दैट वाज ऑफ कॉस 2 थीटा एंड दैट वाज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, काम आया था कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। दूसरा फॉर्मूला काम क्या आ रहा है, जो अभी आ रहा है भाई। और तीसरा लॉजिक काम आ रहा है कि हमने स्क्वायरिंग किया। नाउ 2 ये हो गया तो 2 उधर भेज देता हूं तो उधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और 2 अपॉन में भेज दिया भैया और ये फॉर्मूला है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। बस हो गया बात, उठा करके ये वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए। चलिए आनंद उठाइए इस बात का, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2 बेटे माइनस 1। चलो जी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, विच पार्ट इज करेक्ट, सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। आप देख सकते हो एनटीए क्या पूछ रहा है, बेसिक्स। आई होप आप समझ गए होगे यार, नोट करिए सर। सो नाउ वी आर विथ अनदर क्वेश्चन एंड प्लीज इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो कि कंपोजिट फंक्शंस हैं, क्या खेल है उनके पीछे जरा समझ। कंपोजिट का मतलब है जैसे f ऑफ gx, तो gx f के अंदर बैठ गया, तो ऐसे फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहां साइन इनवर्स अकेला लिखा होता x के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, बट x की जगह ये भाई साहब बैठ गए, ऐसे ही कॉस इनवर्स। अब जरा देखिए यहां पर खेल गया। पहली चीज ये कि हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ रामलाल प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रामलाल अगर दोनों जगह सेम कहानी है तो आंसर पाई बाई 2 होता है भैया। तो कई विद्यार्थी करेंगे कि भाई ये पाई बाई 2 हो गया इनका सम, तो a की वैल्यू निकाल ली पाई बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए हमें x पता होना बहुत जरूरी है भाई। मैं बात समझो, बोले सर ये तो पाई बाई 2 हो जाएगा सर, ऐसा करते हैं कहीं, और अब ax स्क्वायर बराबर माइनस पाई बाई 2 तो x की वैल्यू क्या है पता ही नहीं, यानी कि x पता करना है। और x पता करना है मतलब हमें डोमेन पता करनी है इस क्वेश्चन की। देखिए जरा खास बात पता क्या है, ये जो भाई साहब बैठे हैं सेम है। पहले मैं चाहता हूं आप इनका परिचय ले लें। आप इनका परिचय ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मान लिया ये कोई एक एफ एक्स से मैंने डिनोट कर दिया, एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर पॉजिटिव हो तो वो हैप्पी ग्राफ बनता है, फेसिंग अपवर्ड हैप्पी, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लेस देन 0 नेगेटिव में होता तो वो सैड ग्राफ बनता है, सैड। दिस इज हैप्पी, तो ये तो श्योर है कि ये हैप्पी ग्राफ बनेगा, सैड तो नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। बट कैसे बनाया जाए ग्राफ, जो बच्चे 12th में हैं वो जानते हैं कि इसको वर्टेक्स अगर बोलते हैं अपन तो इस पर खींची जाए टेंजेंट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसलिए हम अगर एफ डैश एक्स निकाल दें दैट विल बी 2x प्लस 2, दिस इज एफ डैश एक्स, और मैंने कहा इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x प्लस 2, यस x की वैल्यू आ गई माइनस 1। बहुत देख लो आप आराम से, देखो तसल्ली से देखो, जी भर के देखो, निहारो इसे, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। अब x की वैल्यू मैं माइनस 1 अगर रख दूं यहां पर तो f ऑफ x क्या आ जाएगा जरा वो देखते हैं। तो f ऑफ माइनस 1 निकालना है भाई, रखो यहां माइनस 1 तो दिस विल बी 1, निपट गए भाई, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2 निपट गए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1। पता है खास बात क्या है, खास बात ये है कि हम उसका ग्राफ समझ गए भैया। कैसे, x की वैल्यू माइनस 1 पर ये ग्राफ वैल्यू दे रहा है 1, यानी कि एक पॉइंट है ये, सॉरी पॉइंट है ये माइनस 1, 1, और फेसिंग अपवर्ड तो ये लाइक दिस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक फंक्शन। आप अगर देखेंगे तो ये y एक्सिस पर कहां से वैल्यू देना शुरू कर रहा है, 1 से, और इसके बाद में वैल्यू देना ऊपर शुरू करते जा रहा है, करते जा रहा है, यानी कि ये जो ग्राफ है इसका नेचर ऐसा है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1। आप देख लो इसकी वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। और अब आप मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स में अगर रामलाल लिखा है तो रामलाल की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ऐसा ही कॉस इनवर्स के केस में भी तो होता है। उस रिश्तेदारी से भाई साहब की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब देखो कितना जबरदस्त द्वंद छिड़ा हुआ है। अगर ये रामलाल है तो रामलाल कह रहे हैं कि भैया हम 1 या 1 से ज्यादा होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं उससे, हम कह रहे हैं कि रामलाल तुमको माइनस 1 और 1 के बीच में रहना है, चाहे बराबर हो जाओ।
तो आप मुझे बताओ रामलाल का व्यवहार क्या है? रामलाल का व्यवहार है कि रामलाल वन हो सकता है और वन से ज्यादा है, वन से कम नहीं हो सकता। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यार रामलाल माइनस वन और वन के बीच में आ जाए या बराबर हो जाए। तो आप मुझे बताइए रामलाल किस बात से खुश हो जाएंगे? हमारी दोनों बातें रह जाए, हम रामलाल की बात भी मान लें और हमारी चीज, हमारे फंक्शन की डिमांड भी पूरी हो जाए। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हमारा रामलाल किसके बराबर हो जाए वन। हम बोलेंगे रामलाल से, भैया रामलाल तुम कुछ मत करो, वन हो जाओ यार। बोले हम वन हो जाए, तो देखो इसकी बात भी सेटिस्फाई कर गई और इसकी बात भी सेटिस्फाई कर गई, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल का मतलब है कि इक्वल हो जाए तो भी ठीक और वन से ज्यादा हो जाए तो भी ठीक। बोले हमारी बात पूरी हो गई यार, आई होप आप समझ गए होगे। तो बस अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और हमें तो पता है कि x इक्वल टू माइनस वन पर वो खेल है। आई होप आप समझ रहे होगे। नहीं समझ रहे हो तो देख लीजिए भैया, वन इधर ले आओ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड दिस इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां से आपको x की वैल्यू मिल रही है माइनस वन। कंफर्म? तो बस अब आप x की जगह माइनस वन रख दीजिए। जैसे ही x की जगह माइनस वन रखोगे तो देखो आप, पहले तो ये भाई साहब ये तो हो गए पाई बाई टू। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का पाई बाई टू, राइट? और x की जगह रख दीजिए माइनस वन, तो बेटे a की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाई टू। आंसर इज माइनस पाई बाई टू। फिर सुन लीजिए एक बार, ये रामलाल हमें माइनस वन और वन के बीच में कुछ ऐसे रखने थे, लेकिन इनका नेचर ऐसा था कि ये वन या वन से ज्यादा हो सकते थे। अब इनकी बात भी रह जाए और इनकी बात भी रह जाए, वो तभी पॉसिबल है कि ये वन हो जाए, क्योंकि वन हो गया तो ये तो ही सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। इसका मतलब इसकी वैल्यू वन है, ये श्योर शॉट है, ये फाइनल है, ये कोई रोक नहीं सकता इस बात को। तो फिर बस बात खत्म होगी यार, ये तो पाई बाई टू हो ही जाएगा। आप चेक कर लीजिए, वन रख दोगे अगर आप इसको तो भी वो साइन इनवर्स वन पाई बाई टू और वो पता है जीरो हो जाएगा। कन्फर्म ये बात? सो कुल मिलाकर के इसका सम पाई बाई टू होना था, पाई बाई टू उधर गया एंड नाउ वी आर हैविंग आंसर। तो ये हमने आज एनटीए के मॉक टेस्ट पेपर 12 और 13 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए। मुझे जो लगता था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अगले मेरे वीडियो में अगले कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आप कुछ और डिमांड करते हो, कुछ और चीजें मुझसे चाहते हो आप, तो प्लीज आप कमेंट में नीचे मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, माता पिता की बात मानिए, पढ़ाई करिए, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए आंखों पर जोर न पड़े तो प्रॉपर रेस्ट भी लेते रहिए। थैंक यू।